का विलय इतना जरूरी क्यों? पंजाब का विलय इतना जरूरी क्यों? वन प्लस कौन है भाई? वन प्लस के नाम से एक बार नाम तो बता दीजिए। चलो कोई बात नहीं, पंजाब का विलय जरूरी इसलिए था क्योंकि ये वो समय है कि जब ब्रिटेन को ये डर सताने लग जाता है। पहले डर सता रहा था, जब बेलेजली भारत में आया तो सहायक संधि की शुरुआत की, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई उसने, और क्या किया उसने, जो भारतीय राज्य थे उनके साथ सहायक संधि मनवाई। डर किससे था? नेपोलियन से उस समय था। इस समय किससे डर है इसका? अब अगर इस समय डर देखा जाए तो इस समय ब्रिटेन को डर है यूरोप से, यूरोप से डर, ओ सॉरी, रूस से सर। रूस से डर। किस बात का डर है रूस से? कि कहीं रूस आए और हमारे क्षेत्र पर एक कब्जा न किया। किस बात का डर सरकार? हमको ये मालूम है और नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मालूम है तो ये बात है। गुरु गोविंद सिंह का, इनके बारे में क्या पता है कि बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था इनके साथ भाई? इनके इनको कुछ उपाधि उपाधि प्रदान की थी, है ना? औरंगजेब के साथ इनके संबंध, सिखों के संबंध थोड़े से खराब ले रहे हैं, लेकिन बाद के जो शासक हुए हैं उन लोगों के साथ इनके संबंध अच्छे खासे बने। अब ये बोल सकते हैं कि अब मुगलों को लग रहा था नहीं, अब इन सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि संबंध मधुर होने चाहिए, बाकी जो होगा देखा जाए, है ना? हालांकि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है उसके बाद सिखों का पहला राजनीतिक नेता बनता है। क्या नाम उसका? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर। याद करो, ये 1716 का वो समय है जब मुगल साम्राज्य में सैयद बंधु का शासन चल रहा था, सैयद बंधु का सिक्का चल रहा था, है ना? बंदा बहादुर ने क्या किया कि मुगलों के सामने 1716 में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद भी इसकी हत्या कर दी जाती। बंदा बहादुर के मरने के बाद ही क्या होता है कि सिख साम्राज्य जो है वो नेतृत्व विहीन हो जाता। इनकी मृत्यु के, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कैसा हो जाता? नेतृत्व हीन हो जाता, अराजकता फैलेगी, कई सारे समूहों में बटेंगे सिख। कई सारे जो उसमें बटेंगे मिसलों में, सब अपने अपने लिए क्षेत्र निर्धारित करेंगे। इसी दौर में क्या होता है, अगर यहाँ पे फलक है, पायल है, गुड़िया है, खुशबू तीनों है, तो आप राहुल भी है मेरे घर से, तो
हमारे हिसाब से उनको ये पता होना चाहिए कि सरबत खालसा और गुरमत्ता क्या है, आप में से कोई बता देगा। कौन बता रहा है? एनसीईआरटी में ये चीज हम पढ़ाए हैं आपको, अगर ध्यान में है तो बता। नहीं पता है, साफ साफ बोल दो कि सर नहीं पता है, तो हम बताएंगे, चिंता मत करो, डांटेंगे नहीं हम, वैसे डांटते मांगते नहीं, हम लोग फालतू में डरते हैं, पता नहीं हम कभी डांटते हैं किसी को। बच्चे भगवान का रूप होते हैं ना, नहीं कौन पता। बता? नहीं पता, वेरी गुड। किसी को आइडिया? आकांक्षा, फलक, गुड़िया, बाकी जो लोग हैं यहाँ पर? नहीं सर, नहीं पता। नहीं सर, नहीं नहीं पता, बता दीजिए। पता है, कोई बात नहीं। अन्नू, वो अन्नू क्या नाम, अंशु नाम, अंशु नहीं आई ना, उनके यहाँ नेटवर्क समस्या। अंशु तो है, अंशु आपको भी नहीं पता होता? चलो हम बताते हैं, क्या है सरबत खालसा? सिखों ने तय किया कि साल भर में 2 बार हम सब मिलेंगे, सभा करेंगे। कब कब करेंगे? बैसाखी के दिन और दिवाली के। सिखों द्वारा साल में 2 बार बैसाखी और दीपावली के दिन सभाएं जो शुरू की गई थी उनको बोलते हैं सरबत खालसा, सरबत खालसा बोलते हैं। अब गुरमत्ता क्या है भाई? इन्हीं सरबत खालसा में, इन्हीं सभाओं में जो भी निर्णय लिए जाते थे उन्हें गुरु का मत मान लिया जाता, उसी को बोलते थे गुरु मत्ता। ठीक है, क्लियर है? सर, सरबत खालसा फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। वर्ष में 2 बार दीपावली और वैसाखी के दिन सिखों द्वारा शुरू की गई सभाएं सरबत खालसा कहलाती। और इन्हीं सभाओं में जो निर्णय लिए जाते थे, जो भी निर्णय होते थे उसे गुरु का मत मान लिया जाता था और उसी को गुरुमत्ता कहा जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नो सर, वेरी गुड। गुड़िया वो नहीं आई ना, क्या नाम है वो? अरे जो टेलीग्राम में जुड़ी है, कॉलोनी वाली आई थी। ठीक है, ये सब तो ठीक है, जाहिर सी बात है। लगभग 18वीं शताब्दी का मध्य वाला समय, 1748 का समय है। कपूर सिंह एक नाम व्यक्ति है, कपूर सिंह, इन्होंने खालसा दल की स्थापना की। ठीक ना, कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना। इस खालसा दल ने क्या काम किया भाई? इसने 1753 में राखी प्रथा की शुरुआत। राखी प्रथा
क्या है राखी प्रथा? राखी प्रथा क्यों शुरुआत की गई? राखी प्रथा का मतलब ये था कि प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग खालसा दल की सुरक्षा के लिए, मतलब खालसा दल क्योंकि सुरक्षा कर रहा है हर गांव की, तो खालसा दल को उपज का 1/5 भाग देना चाहिए। राखी प्रथा यही। इससे क्या हुई? खालसा दल की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। मतलब आपसे पूछा जाए कि राखी प्रथा की शुरुआत क्यों हुई थी, उसका कारण क्या था, खालसा दल की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग स्वीकार किया जाए, या 1/5 भाग लिया जाता था प्रत्येक गांव। अब याद रखना, ये जो 1/5 भाग था यही बनेगा राजनीतिक आधार। किसका? सिखों का। यही राजनीतिक आधार तैयार कर देगा, ठीक सिखों में बहुत सारी चीजें रही। मिसल, मिसल का नाम सुना होगा। मिसल उसल बनाए गए, मतलब ग्रुप्स बने, कई सारे ग्रुप बनाए। ये ग्रुप्स क्या काम करते थे भाई? का काम क्या? ये देखो, अपने अपने समूहों का नेतृत्व करते थे सब लोग। इसी में एक ग्रुप है मिसल, सॉरी शुकर चकिया, जिससे संबंधित है रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह, नाम सुना होगा, जिनकी एक आंख नहीं थी। वो कहते थे भगवान ने हमारी एक आंख इसलिए ले ली कि ताकि हम पूरी जनता को या सबको एक निगाह से देख। रणजीत सिंह जो कि सिखों के वास्तविक संस्थापक बने, वास्तविक संस्थापक हुए। और इन्होंने क्या किया? सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए जिन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार भी किया और साथ में मुल्तान, याद रखना ये प्रश्न पूछा गया है, मुल्तान, पेशावर, लद्दाख और कश्मीर तक अपने राज्य का विस्तार। तो एक कौन सी मिसल से संबंधित है? शुकर चकिया मिसल से संबंधित है भाई, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा PYQ तो उसमें कई बार पूछा गया। काबुल का एक शासक है, देखो इनका जन्म हुआ 1780 में। 17 साल की उम्र में इन्होंने एक शासक को पराजित किया। काबुल का शासक था जमान शाह नाम है, उसने जब पंजाब पर आक्रमण किया तो रणजीत सिंह के नेतृत्व वाली जो सिख सेना थी उसने उसको पराजित किया। इसको जमान शाह, फिर तो बन गए सिखों के नेता। अब जमान शाह का क्या हुआ कि उन जा रहे थे वापस, तो
कहीं किसी नदी में उनकी कुछ तोप वोप गिर गई थी। उस तोप को निकलवाए और निकलवा के उन्होंने उसे पहुंचा दिया। भाई आपकी अमानत अपनी रखो अपने पास, हमको नहीं, हमारे क्षेत्र में थी तो हम ला के दे दी। इस बात से खुश हुआ जमान शाह, और जमान शाह खुश होकर रणजीत सिंह को लाहौर की सूबेदारी प्रदान कर। अनुमति मिल गई लाहौर पर अधिकार करने। अब 1799 में लाहौर पर अधिकार करने के बाद इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बना दी, राजा दिल्ली। फिर रणजीत सिंह और लेक, लेक मतलब नाम है, अंग्रेज है, जनरल लेक नाम, इन दोनों के बीच कुछ संधि हुई। अब वो संधि क्या थी भाई? उस संधि में बात ये बनी थी कि रणजीत सिंह, कल हम पढ़े थे होलकर वाला मामला जो मराठों का पढ़ रहे थे लास्ट में, एक तरफ होलकर से भी संधि हुई, दूसरी तरफ रणजीत सिंह से भी संधि हो रही। रणजीत सिंह से बात ये हुई कि भाई होलकर को अमृतसर छोड़ने के लिए कह दे कि अमृतसर से जाए हुए निकले यहां, पहली चीज। दूसरी चीज रही कि अंग्रेजों को अपनी सेना पंजाब से हटानी पड़ेगी, दूसरी शर्त। तीसरी ये रही कि दोनों लोग मित्रवत संबंध बनाए रखेंगे, अगर इन पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो ये एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, ये हो गई शर्तें, ये हो गई संधि तीनों दोनों के बीच, जनरल लेक और राजा रणजीत सिंह के बीच में। कब हो रही संधि? 1806 में। अब क्या होगा? इसके बाद रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार नहीं, साम्राज्य विस्तार इन्होंने किया कैसे? कांगड़ा विजय किया इन्होंने। कांगड़ा एनसीईआरटी में पढ़े हैं, बोल मत दीजिएगा कोई। सर ताली कोटा का युद्ध जिसे कहते हैं, नहीं बच्चा, वो तो 1565 में लड़ा गया था, विजयनगर साम्राज्य लड़ा था उस युद्ध के बाद, तालिकोटा, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध जिसको बोलते थे, राक्षसी हाँ गांव सर वही में लड़ा। सर। ठीक है, कांगड़ा विजय, कांगड़ा विजय कहाँ से? कबूतर, हिमाचल प्रदेश है ना। फिर कश्मीर पर अधिकार किया इन्होंने, अटक, अटक पर भी अधिकार जमाया, जीत लिया था। मुल्तान, फिर लेह लद्दाख, ले लद्दाख, पेशावर, ये सब, शिकारपुर, ये वगैरह वगैरह बहुत सारा उन्होंने, मतलब अपने साम्राज्य को उन्होंने फैला दिया। अगर बात करें अभी कि कांगड़ा विजय कब की, 1809 में, एनसीईआरटी में पढ़े हैं ये सब। 1813 में कश्मीर पर, कश्मीर को अपने संरक्षण में लिया किससे? शाह शुजा से, अफगानिस्तान का अमीर है शाह शुजा, उससे इन्होंने कश्मीर अपने संरक्षण में ले लिया और शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। कोहिनूर हीरा शाह शुजा ने रणजीत सिंह को ही दिया था, बात याद रख। 1813 में ही अटक पर अधिकार जमाया इन्होंने,
18 में मुल्तान पर अधिकार हुआ। अभी क्योंकि कश्मीर को संरक्षण में लिया है ना इन्होंने, 19 में एक गवर्नर आएगा, नाम अफगानी गवर्नर है, नाम है जब्बर खान। जब्बर खान को हराकर कश्मीर पर अधिकार भी कर लिया है। फिर डेरा गाजी, डेरा इस्माइल, लेह जीता इन्होंने 1820। डेरा गाजी, डेरा इस्माइल नाम याद। 32 में इन्होंने पेशावर की विजय की, पेशावर पर अधिकार हुआ इनका। इसके बाद 1833 में क्या किया, एक कबीला है जिसका नाम है मुजारी, इसको पराजित करके इन्होंने शिकारपुर पर अधिकार कर लिया। टीवी में कभी कभार देखे होंगे, हमारे शिकारपुर वाली मौसी आ रही है, हमारे शिकारपुर वाली बुआ आ रही है, बहुत खतरनाक। सुना है कि नहीं वाला कभी डायलॉग? नहीं सुने हो तो वो आपकी गलती, हमारी गलती। पहले बता, सीरियल देखती रहेंगी लेकिन याद नहीं रहता एक कुछ क्यों, तो किताबों नहीं याद करते हैं, सीरियलों नहीं याद करते तो याद क्या करते हैं? अरे कोई गया था मेला देखने, आ गए कि नहीं भैया बताओ। ये बचपन में मेला देखा जाता, बच्चे जब रहता, अब तो मेला ना देखूं। हालांकि 1839 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है राजा रणजीत सिंह की, उसके बाद फिर से पंजाब पर खतरा मंडराने लगता है। किस बात का खतरा? खतरा ये है पंजाब पर, अराजकता फैल रही, अराजकता का माहौल बन रहा है राजा रणजीत सिंह के मरने के बाद। ठीक है, उस अराजकता के माहौल को बरकरार रखने में योगदान किसका किसका है? खड़क सिंह एक है, जो कि तीनों रणजीत सिंह के ही पुत्र हैं, और 1 साल 2 साल ही शासन किया सब। खड़क सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, दिलीप सिंह जो कि अंतिम शासक। और जब वो गद्दी पर बैठा तो वह अल्प वयस्क, हालांकि उसका समय, उसका जो कार्यकाल है वो करीब 6 साल का कार्यकाल, 43 से लेके 49 तक, 1843 से 1849 तक का समय राजा दलीप। राजा दलीप सिंह क्योंकि सिंह के अंतिम राजा रहे, अंतिम शासक रहे, तो जो सिख युद्ध होने वाला है वो राजा दलीप सिंह के ही साथ में क्या होगा। युद्ध का परिणाम सबको पता होगा है ना, क्या होने वाला है। फिलहाल जो खड़ग सिंह हैं, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ऐसा बचपन में पढ़े हो कि नहीं आप? नहीं पढ़े हो? खड़े पढ़े हो ना? यस।
आपको पता अरे नहीं पता है। खड़ग सिंह के समय में एक समस्या बहुत बड़ी आई। खड़ग सिंह कौन है? ये राजा रणजीत सिंह के सुपुत्र हैं। 1839 से 40 तक इनका समय कार्यकाल है। इनके समय में दो विरोधी दलों का उदय हुआ। दो विरोधी दल कौन कौन से थे? दो विरोधी दल, एक तो है संधा, लिख लेना इसको, तो जल्दी मिलेगा नहीं नोट्स में। संधा वालिया सरदार, और दूसरा है डोगरा बंधु। संधा वालिया सरदार और डोगरा बंधु, ये दो समूह बने खड़ग सिंह के समय। संधा वालिया सरदार में कौन कौन शामिल है ये जरूरी है यार रखना। कौन कौन भाई? नाम है चैत सिंह, लिख लो, अतर सिंह, अतर सिंह, लाहना सिंह, अजीत सिंह। संधा वालिया सरदार में चार मेंबर हैं, ऐसा बोले तो ये चार भाई हैं। अगर नॉर्मल बोला जाए तो चार भाई। नाम क्या है? चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, अजीत सिंह। नाम लिख लिया आपने? चलो सर बिता देते हैं। दूसरा जो ग्रुप है, नाम क्या है उसका? डोगरा बंधु। इसमें तीन भाई कौन कौन? ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और एक और है सुचेत सिंह। लिख लिए? अरे सर याद ये रखना है कि इन्हीं दोनों समूहों की देन रही है जो राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अराजकता का माहौल बना दिया। इन्हीं दोनों समूह देखो, जब हम अभी तो नोट्स जो आप लोगों को देंगे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाला काम है इसमें, लेकिन लास्ट में ना जो हमने हाथ से लिखे हुए हैं कॉपी में वो नोट्स आपको ऐसे प्रोवाइड करवा देंगे, वो बहुत ज्यादा में अच्छा खासा मिल जाएगा और पीसी के लिहाज से बढ़िया हो जाएगा। जल्दी जल्दी रिवीजन वाला मामला, ये कुछ मामला रहा है किसके समय में? खड़क सिंह के समय में। एक सवाल और पूछा जाता है कि अमृतसर को रणजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी कब बनाई या किससे छीन कर बनाई? तो उन्होंने भंगी मिसल से छीना। भंगी मिसल है, छीना था कब?
1805 में। उसके बाद उसे बनाई अपनी धार्मिक राजधानी और लाहौर बना राजनीतिक राजधानी। ये भी ध्यान रखना कि रणजीत सिंह ने एक जेल बनवाई थी लाहौर में, ये भी हमको नॉर्मल अब युद्ध का समय आ गया। पहला युद्ध होगा आंग और सिख के। राजा दिलीप सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है ये, क्योंकि अल्प वयस्क था। कब हो रहा है पता होना चाहिए, तो हो रहा 45-46। अल्प वयस्क लड़का है एक, इसकी माँ का नाम है रानी जिंदन। रानी जिंदन नाम है इनकी मम्मी। इनके संरक्षण में युद्ध शासन कर रहा। अब देखो समय क्या हुआ कि रानी जिंदन इसलिए प्रथम आंग सिख युद्ध को एक मौका के रूप में देख रही थी, क्योंकि जो खालसा सेना थी, खालसा दल था, वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। अगर खालसा दल शक्तिशाली बना रहा तो वो दिक्कत करेंगे जिंदन के लिए और राजा दलीप सिंह के लिए। इन्होंने एक मौके के रूप में देखा प्रथम आंग सिख युद्ध को। इन्होंने ये सोचा अगर मान लो कि अंग्रेज हारते हैं तो हमारी जीत है, अंग्रेज भाग जाएंगे, और अगर खालसा सेना हारती है तो खालसा सेना कमजोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अंग्रेजों से हमारे संबंध बन जाएंगे। ये मामला रानी जिंदल थोड़ी सी दूरदर्शी में। जिससे पूरा लाहौर दरबार डर रहा था खालसा सेना से, उसको नियंत्रित करने के लिए रानी जिंदन और उनके जो सलाहकार थे उन सबने अंग्रेजों के साथ खालसा सेना को युद्ध मैदान में उतार दिया। अब यही सोच के उतारा था, अगर सेना विजय होती तो विस्तार होगा क्षेत्र का, और अगर हार जाती है तो राजनीति में दखल देना छोड़ देगी, ये उनका मानना था। हालांकि प्रथम आंग सिख युद्ध हो रहा है 45 और 46, वो तो रहा है प्रथम आंग, लेकिन प्रथम आंग सिख युद्ध में कई सारे युद्ध। अब देखो प्रथम आंग सिख युद्ध अगर है 45-46 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन होगा ये पता होना चाहिए हमको। उसमें गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हार्डिंग। भारत का गवर्नर जनरल है ना, बंगाल का तो नहीं है, क्योंकि तो 1833 से भारत का गवर्नर जनरल बनने लग गया है। तो भारत का गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग। इस तो पैतालीस छियालीस में युद्ध हो रहा है, लेकिन उससे पहले का सिस्टम ये है कि 1844 में लॉर्ड हार्डिंग जब भारत आया तो वो मतलब एक सैनिक तो था ही वो ऑलरेडी, और दूसरी चीज थी कि वो विलय वाला सिस्टम चल रहा था, विलय करना, राज्यों का विलय करना है। तो पंजाब का विलय करने के चक्कर में अंग्रेजी सेना लालायित हो गई कि जल्दी से जल्दी अपने अंदर में ले लो ताकि किसी का डर न रहे, इस वजह से युद्ध हुआ है। पहला
अंग से क्यों, इसी वजह से, और कोई कारण नहीं। जो युद्ध हुए इसमें देख सकते हैं, मुद्गी का युद्ध है ना, मुद्गी का कब हुआ है, 1845 में। फिरोजपुर का युद्ध हुआ कब हुआ, 1845 में। फिर कौन सा, अलीवाल का युद्ध 1846 में। फिर सुबराव का युद्ध 1846। सुबराव वाले युद्ध में कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ, इसको निर्णायक युद्ध माना गया। इन युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध माना गया सुबराव का युद्ध, ये वाला निर्णायक युद्ध है। पहली बात क्यों, इस समय दो लोग थे, एक था लाल सिंह और दूसरे हैं तेज सिंह। दूसरे हैं तेज सिंह। इन दोनों ने क्या किया, विश्वासघात कर दिया, सिख राज्य के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। इन दोनों के विश्वासघात के चलते ही सिखों की हार हो गई। लाहौर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, ब्रिटिश सेना तैनात। अठारह सौ छियालीस में युद्ध जब खत्म हुआ तो एक संधि हो रही है जिसका नाम है लाहौर की। इस लाहौर की संधि में ऐसा क्या होने वाला था, 9 मार्च 1846 का समय है। इसमें शर्तें बहुत सारी रखी। शर्त क्या थी, सिखों ने सतलुज के पार के अपने समस्त प्रदेश अंग्रेजों को दे दिया। सतलुज के दूसरी ओर जो क्षेत्र थे वो सब अंग्रेजों को मिल गए। दूसरा, सतलुज और ब्यास नदियों के मध्य में जो दुर्ग रहे, जितने भी दुर्ग रहे सिखों के, वो सब अंग्रेजों को दे दिए गए। 1.5 करोड़ रुपया अंग्रेजों को मिला, जिसमें से 50 लाख तो उन्होंने कोष में से, अपने राजकोष से निकाल के दिए, बाकी सिंध और ब्यास नदी के मध्य के जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो दे दिए गए। दूसरी, इसके अलावा क्या है, एक शर्त ये भी आएगी कि अंग्रेजों के अलावा किसी से आपका संबंध नहीं हो। किसी और सेना को, किसी भी यूरोपीय सेना को आप अपनी सेवा में नहीं रख, सेनाओं को सीमित किया गया। दलीप सिंह महाराजा रानी जिंदा उनका, उनकी संरक्षक बनी, लाल सिंह को वजीर बना दिया गया। कौन है लाल सिंह, वही लाल सिंह जिसने विश्वासघात किया था, उसी लाल सिंह को वजीर बना दिया। याद रखना, लाहौर की संधि के बाद लाहौर का जो ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ उसका नाम था हेनरी लॉरेंस, है ना, हेनरी लॉरेंस। अब अंग्रेजों ने फिर से एक वचन दे दिया कि अब हम पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। इतना सब कुछ हुआ है, सेना को तोड़ दिया गया, अंग्रेज उनसे जमीन ली गई, पहाड़ ले लिए गए, नदी ले ली गई, उपजाऊ मैदान ले लिए गए, साथ में पैसा भी लिया गया, अपना एक प्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिया गया, सब कुछ हो गया। क्या लग रहा है, सब कुछ बड़े प्यार से, ये लग रहा है कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे,
चलो सिखों के राज्य को छोड़ दिया, सिर्फ राज्य छोड़े थे बस, बाकी कुछ नहीं छोड़े। पंजाब को उन्होंने पूरी तरह से अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। लेकिन छोड़ा भी तो कुछ नहीं था उनके पास। लाहौर और पेशावर में सिखों की सेना रही, तो अंग्रेजों ने सिखों को शक्तिहीन बना दिया भाई। अब एक डर ये भी है, संभावना ये भी बन रही, आज नहीं तो कल पंजाब अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा तो बनेगा ही बनेगा, ये भी डर सताने लगता। बन जाएगा, समय आने दी, समय है कौन सा, 1848 1849। रामनगर का युद्ध चिलियान वाला युद्ध 49 में हो रहा है, याद रखना। शेर सिंह है 49 तक, ये तो बताया है ना, 43 से 28, 43 से 28, 49 तक शेर सिंह है, रणजीत सिंह का ही लड़का है। इसमें कई लड़ाइयां लड़ी, एक लड़ाई हुई है रामनगर, एक तो रामनगर का युद्ध। ये जो रामनगर का युद्ध है ये कब हुआ है, 1848 में, जाहिर सी बात है 48-49 में हो ही रहा है, तो 48 में होगा। रामनगर इसमें विजेता कौन बना, अंग्रेज, अंग्रेज विजेता बन गए। दूसरा हो रहा है चिलियांवाला का युद्ध 1849 में, इसमें कौन विजयी हो रहा है, सिख विजयी हो गए। एक और है गुजरात नगर का युद्ध, गुजरात नगर का युद्ध 1849 में ही होगा, इसमें अंग्रेजी सेना भी देखो। रामनगर का जब युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, लॉर्ड ग गा से गमला नेतृत्व कर रहा था ये। तो और सिखों का नेतृत्व कौन कर रहा है, वही शेर सिंह जिसका नाम और टाइटल दोनों ही एक। रामनगर का जो, सॉरी चिलियां वाला युद्ध की बात कर रहे थे, रामनगर वाला युद्ध में अंग्रेजी सेना ही विजयी हुई, चिलियां वाला युद्ध की बात कर रहे हैं उसमें शेर सिंह है अपना, ठीक है, चिलियां वाला नेतृत्व है लॉर्ड गफ का, अंग्रेजों का शेर सिंह है सिखों का। अनिर्णित युद्ध साबित हुआ चिलियांवाला का युद्ध, और गवर्नर जनरल इस समय कौन है भाई, भारत का गवर्नर जनरल कौन है, बताओ बताइए ना, गवर्नर जनरल कौन है भारत का, नहीं पता। डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा है ये गवर्नर जनरल भारत का, क्या नाम बताई, वेरी सर, लॉर्ड डलहौजी। गुड, लॉर्ड डलहौजी। शेर सिंह
ने नेतृत्व दिया। लेकिन जब गुजरात नगर वाला युद्ध हुआ ना, इसमें सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया 1849 में। अंग्रेजों का सेनापति गुजरात युद्ध में है, नाम है ह्यूगो, ह्यूगो अंग्रेजों का सेना विजय हो गई। सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और राजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया। कितना काम हो गया इनके साथ, थोड़ा सा इनकी तारीख वारीख याद रखना, क्योंकि तारीख बहुत कुछ तारीख में ही कंफ्यूज भी करते हैं। आयोग है, ठीक है। अब अंग्रेजी राज्य में सिख राज्य को मिला तो लिया गया है, लेकिन शासन करेगा कौन ये तो निर्धारित ही नहीं हो पा रहा। अंग्रेजों ने जुगाड़ निकाला, वो भी भारत में रह के जुगाड़ से, जुगाड़ वाला काम। कौन सा जुगाड़ रहा भाई, उन्होंने कहा एक काम करो, परिषद बना दो। अब परिषद मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे काउंसिल, हिंदी में बोलेंगे परिषद। परिषद बना दो, इस परिषद के माध्यम से शासन करें पंजाब। इस परिषद में कौन है, 3 सदस्य हैं इस परिषद, नाम क्या है। पहली बात तो अध्यक्ष जो है उसका नाम है हेनरी लॉरेंस, लॉरेंस। बाकी 2 सदस्य सदस्य कौन कौन है, एक तो है जॉन लॉरेंस और दूसरा है ग्रेविल मानसेल। ग्रेविल मानसेल, इन तीनों के नेतृत्व में बनाई गई परिषद, उस परिषद को काम सौंपा गया कि पंजाब पर शासन किया जाना चाहिए। ये तो रहा पंजाब का हाल। एक सवाल जो और पूछा जा सकता है सिख राज्य के विलय से संबंधित, उसमें ये ध्यान रखेगा कि जब पंजाब राज्य का विलय हुआ था तो किसके नेतृत्व में पंजाब का विलय किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था। उसका नाम है चार्ल्स नेपियर, है ना। अच्छा ये सबके यहाँ नाम कितने खतरनाक खतरनाक है ना, हम सबके यहाँ देखो कितना प्यारा प्यारा नाम है, मुन्नू चुन्नू कल्लू किल्लू, है ना, ऐसे नाम कितना प्यारा प्यारा। ए रामू शामू, है ना, ऐसे कितने प्यारे प्यारे। नहीं टोनी, अरे मोनी सुनो ना, नहीं मोनी तो किसी लड़का नहीं होता है, तो गलत ले रहे। छोड़ो, इन सबके नाम बड़े खतरनाक है नहीं। अच्छा बताओ, यहां तक में कोई समस्या है आप लोगों को, किसी को भी बोलिए ना भाई।
बोलिए। हेलो, सर, नहीं आवाज सर, ठीक है? जब नहीं समझ सर, कोई बात नहीं, जाने दो। ये हो गया पंजाब राज्य। ठीक है, कल या परसों तक कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितने भी अभी तक टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उन सबका पूरा पूरा नोट्स मिल जाए परसों तक। कल तक नहीं बोलेंगे। उसके अलावा टॉपिक एक्स्ट्रा कुछ हम ऐसा तैयार रखें ताकि आपको शेयर करके हम पढ़ा सकें। ठीक है? ओके, बिल्कुल हाँ, गुड़िया को बड़ा सुकून मिला। चलो सर, तो अभी वाला काम कर भी करेंगे, मजा देखना उसको। क्या पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे? अभी कब तक पढ़ाएंगे? अरे नहीं, छुट्टी कर रहे हैं, जाओ खाओ पियो, भूख लग गई होगी, हम जान रहे हैं। आप खा पी लो भाई, सब लोग, हम तो खा के भूखे हैं, हमको क्या चाहिए। ठीक है फिर।